का इसे देख लेते हैं। बहुत ही इजी पेपर था और इसमें कुछ क्वेश्चंस का जो कंटेंट था वो धमाकेदार था। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को और पूरी बुकलेट को हम सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से और देखते हैं आंसर की अपनी कितनी इम्पोर्टेंट है इस पेपर के लिए। देखिए भारतीय समाज की प्रकृति, भारतीय समाज की प्रकृति ए आंसर रहेगा। ओके इसका जो है ए आंसर रहेगा। ओके ये जो है इसका बी आंसर रहेगा। इसका जो है वो ए आंसर रहेगा। इसका जो है वो बी आंसर रहेगा। फिफ्थ का बी, सिक्स का डी, सेवन का सी। ओके एट का जो है, एट का जो बी है, एट का जो बी है सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया के लेखक जो है वो है एम एन श्रीनिवास। ओके क्वेश्चन नंबर टेन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक हैं एस सी दुबे। ओके संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित की गई है एम एन श्रीवास्तव। ओके लिखित में कौन सी समाज शास्त्र के रचनात्मक प्रत्यागत दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं वो है एम एन श्रीवास्तव। ओके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन एस सी दुबे के ने संरचनात्मक प्रयोगों को अध्ययन के लिए लागू किया था वे हैं संस्कृति कल्चरल के लिए, सॉरी कल्चरल भारतीय ग्राम समुदाय के लिए, ये कल्चर के लिए भारतीय ग्राम समुदाय के लिए है। ओके निम्नलिखित समाज शास्त्रियों किसके द्वारा सिद्धता की गई है वो है एस सी दुबे। ओके फिफ्टीन का बी, ओके फिफ्टीन का बी, सिक्सटीन का आप देखेंगे तो सिक्सटीन का ए। ओके सेवनटीन का आपका बी, 17 का आपका बी, 18 का आपका सी। ओके 19 का आपका बी, 20 को देख लेते हैं। 20 का आपका बी, ओके 21 का आपका डी, ओके 22 का आपका डी, 23 का आप देखेंगे सी, 24 का आप देखेंगे सी, 25 का आप देखेंगे बी, 26 का आप देखेंगे, 26 का आप देखेंगे डी। ओके 26 का आप डी, 27 का आप देखेंगे ए, 28 का आप देखेंगे ए, 29 का आप देखेंगे ए, 30 को देखेंगे 30 का सी, 31 का बी, 32 का ए, 33 का ए, 34 का डी, 35 का ए, 36 का ए, 37 का बी, 38 का सी, 39 डाउटेबल है जो ड्रॉप किया है, 40 का देखेंगे ए, 41 का देखेंगे बी, 41 का बी, 42 का सी, 43 का ए, 44 का आप देखेंगे बी। ओके 45 का देखेंगे ए, 46 का देखेंगे डी, 47 का देखेंगे डी, 48 का आप देखेंगे सी, 49 का आप देखेंगे सी, 50 का आप देखेंगे 50 का ए, ठीक है 51 का आप देखेंगे डी, 52 का आप देखेंगे सी, 53 का आप देखेंगे जो है सी, 54 का आप देखेंगे बी, 55 का आप देखेंगे सी, 56 का आप देखेंगे बी, 57 का आप देखेंगे बी, 58 का आप देखेंगे डी, 59 का आप देखेंगे डी, 60 का आप देखेंगे बी, 61 का आप यहाँ देखिए केवी डेविस है ए, 62 का आपका है सी नेशनल इंटीग्रेशन। ओके अब आप देखेंगे 63 का है बी, 64 का है ए, 65 का है ए, 66 का है ए, 67 का 67 यहाँ देखिए 67 के बाद 74 है, यहाँ पेज मिस हुआ है लगता है तो कोई नहीं देख लेंगे। हाँ 74 का आप देखेंगे 74 का है ए, 75 का है बी, 75 का ए, ओके 76 का है आपका बी, 77 का है आपका सी, 78 का है ए, 79 का है आपका ए, 80 का है आपका बी, 81 का है आपका सी, 82 का है आपका डी, 83 का है आपका बी, 84 का है आपका सी, 85 का है आपका सी, 86 का है आपका डी, 87 का है आपका ए, 88 का है आपका डी, ठीक है 88 का डी, 89 का है आपका बी,
90 का है आपका बी, 90 का ए, 91 का है आपका ए, 92 का है आपका बी, 93 का है आपका ए, 94 का है आपका डी, 95 का है आपका ए, ओके, 96 का है आपका सी, 97 का है आपका ए, और ये है आपका 98 का है आपका सी। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए हैं बीच में, उसके लिए पैनिक नहीं होना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे नो डाउट। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उनके डाउट्स को दे दूंगा कि ये इनके आंसर किए हैं, उनके डाउट्स अगर कोई हो तो मुझे आप वहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं। तो देखें 99 का आप देखें ए, ओके, और 100 का है आपका सी, ओके। देखिए ये थी आपकी आंसर की जो कि आपके बीए के पेपर के लिए है, इस बीच में कुछ क्वेश्चन मिस हैं, कोई नहीं, उन्हें आप देख लिया जाएगा जब आप देखेंगे, ठीक है, तो कोई नहीं। ये थी आपकी बीए की आंसर की जो कि फर्स्ट ईयर का है, सोशल इंडिया का एग्जाम था ये, और बहुत ही इंटरेस्टेबल जो है, इससे ज्यादा इजी तो हो नहीं सकता। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनका लेवल टफ था, अदरवाइज बाकी पूरा पेपर इजी था। तो ठीक है, इसी तरीके के आप हमारे कंटेंट को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें आप ढेर सारा प्यार देते रहिए जिससे हम मोटिवेशन मिलता रहे, और भी न्यू कंटेंट के साथ हम बेहतर यूनिवर्सिटीज के बेहतर एग्जाम पेपर जो आपको प्रोवाइड कर सकें, जो कि आपके एग्जाम को स्कोर को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।